नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी राघव एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आज आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं दिवाली की, कि दिवाली के इस अवसर पर हम किस तरह से अपने घर से सुख समृद्धि और धन धान्य के आगमन को सुचारू रूप से रख सकते हैं। हम जानेंगे कि इस दिन दिवाली हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और इस दिवाली किस दिशा में लक्ष्मी का वास रहने वाला है। धनतेरस के दिन कुछ चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए, जिससे घर में सुख वैभव और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहेगा। इस दिन एक धनतेरस के दिन एक मिट्टी का घड़ा अवश्य लाएं, जिसमें आप घर पे पानी भर के रख सकते हैं। अगर आप घड़ा नहीं ला सकते तो मिट्टी का दीपक भी अवश्य घर पर लेकर आएं। इस दिन आप चांदी के धातु का कोई सामान भी अवश्य लाएं, जिससे जीवन में यश कीर्ति और ऐश्वर्य और मानसिक सुकून बना रहता है। इस दिन कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र भी अवश्य लेकर आएं। आप इस दिन स्थापना कर सकते हैं, जिससे धन और वैभव का आगमन वर्ष भर बना रहेगा। इस दिन आप घर में धनिया के कुछ बीज भी अवश्य लेकर आए, उसको आप मिट्टी में भी बो सकते हैं, जिससे कि जीवन भर आपके घर में अनाज धन धान्य और माँ लक्ष्मी की स्मृति का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इस दिन एक झाड़ू या सफाई का कोई भी सामान आप घर में अवश्य लेकर आए। महालक्ष्मी वही निवास करती है जिस घर में सफाई रहती है, इसीलिए दिवाली से पहले सफाई की जाती है, और इस दिन इसीलिए घर की सफाई करने का सामान अभी अवश्य लाया जाता है। 11 गोमती चक्र भी अवश्य लेकर आए, जिसके पूजा करने के बाद घर में तिजोरी में पीले कपड़े में बांध कर रखें। 6 कौड़ी भी घर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी माँ का प्रतीक और धन का प्रतीक यह कौड़ी है। किसी इसको पूजा करने के बाद आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। दिवाली के दिन क्या नहीं लेकर आना है। इस दिन लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। इस दिन कांच का भी कोई सामान नहीं लेना है, कुछ दिन बाद में ले लीजिएगा। काले रंग का भी कोई कपड़ा या कोई वस्तु भी अवश्य लगाएं, जिसके मध्य में श्री यंत्र बना हो और वहां पीले रंग की आकृति से ये पीले रंग से ही बना हो। इससे आपके अनचाहे खर्चे रुकेंगे और रिश्तों में प्रेम भी बनेगा, और धन संचित होने के साथ धन का सही जगह पर प्रयोग भी होगा। यह मंडलाकार आप घर के मंदिर में भी पूजा स्थान पर भी आप स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि आपका ध्यान पूजा में लगेगा और घर में भी प्रेम बना रहेगा। तो हमने आज बात की कि आप इस दिवाली पर क्या नया करें, जिससे कि घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन बना रहे। जीवन में मानसिक सुकून की और अवसाद की बहुत ही प्रवाह बना हुआ है, इन सबको हटाने के लिए भी आप इस दिवाली कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक और खुशियों का संचार रहेगा। तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी इस विषय को यही विराम देते हैं। नए विषय के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। आप अगर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी बात भी करें। हम अब चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।